मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस हन्ना के समान बने जो पवित्र आत्मा ने उस पवित्र शास्त्र में उसके लिए इस प्रकार से एक बात कही कि वो मंदिर को नहीं छोड़ देती। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आज आप परमेश्वर की देह में आ चुके हैं, यदि आज आप परमेश्वर के भवन में आ चुके हैं, तो आपके लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं कि जब तक ये इस दुनिया में रहा, जब तक ये इस भवन में आता रहा, तब तक इसने इस भवन को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर आप पढ़े प्रेरितों के कार्य, उसके अंदर एक सुंदर नामक फाटक पे एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे, उसने भीख मांगी पतरस से और यूहन्ना से, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर हमारे पास एक नाम है। आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आप परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे, पर आप परमेश्वर से चंगाई और आशीष मांग रहे हैं, पर वो परमेश्वर से चंगाई और आशीष नहीं मांग रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे मांग रहा था। उसको होप नहीं थी कि वो चंगा हो जाएगा, उसको सिर्फ भीख चाहिए थी। आप में से कितने लोगों को होप है, आप में से कितने लोगों को परमेश्वर से उम्मीद है? वो लंगड़ा भिखारी जो बिना उम्मीद के, बिना विश्वास के, बिना उस होप के चंगा हो सकता है, तो क्यों आप और मैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं? लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? हमें विश्वास के द्वारा उस प्रेम में आने की जरूरत है, और वो प्रेम हमें मसीह की देह में मिलता है। आमेन। आज परमेश्वर आपको एक जगह के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह जहां चला गया वो आपको भी वहीं पर ही भुला ले। इस वजह से वो सिर्फ आपको आशीष नहीं, सिर्फ चंगाई नहीं, परमेश्वर आपको अपने वचन में बढ़ा रहा है। मैं जब इधर आया, मैंने अपोस्टल से एक बात पूछी। मैंने कहा पूछ ली, बहुत सारे ऐसी जगह मैंने देखी है जहाँ पे सिर्फ चंगाइयों के बारे में प्रीच होता है, और बड़ी सारी ऐसी जगहों में से भी मैं आया, तो पूछ ली कि हमारे जो चर्च में चंगाई होती है और जो ये सारी चीज़ें होती है, इनके बारे में आपका क्या डॉक्ट्रिंस है? तो अपोस्टल ने मुझसे कहा कि देख बेटा, मेरी तो एक ही बुलाहट है, मेरी तो सिर्फ एक ही दिमाग में विजन है कि आत्माओं को बचाना। जब अपोस्टल ने मुझसे कहा, मेरा दिल ऐसा हो गया कि नहीं, परमेश्वर के दास का एजेंडा, परमेश्वर के दास का दर्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आमेन। आत्माओं को बचाना किस जगह के लिए, कहाँ के लिए? नोएडा के लिए, चंडीगढ़ के लिए? नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए। आमेन। आज आप इस भवन में आए हैं, आज आप परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, आज आप उस देह में एक बनने के लिए आए हैं, आज आप परमेश्वर की देह में शामिल होने के लिए आए हैं। आज होली कम्युनियन नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की देह में, जब जब हम एक साथ एक भवन में आते हैं, हम परमेश्वर की देह में शामिल होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर का एजेंडा आपको उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए है। जिनको विश्वास है सारे बोले हालेलुया, सारे बोले आमेन। हम में से सब चाहते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिले, है ना? हमारे माइंड में, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है, बड़ी सारी चीज़ों की नीड है हमें। लेकिन आज आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप इस जगह में आ गए हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में आ गए हैं, परमेश्वर आपको एक हायर लेवल के लिए, एक बड़े मुकाम के लिए तैयार करना चाहते हैं। बाकी जगहों के तरह, बाकी लोगों के तरह आप अंधेरे में पड़े रहने के लिए नहीं है। बाकी लोग इस इन द सेंस कि जो टोने टोटके वालों के पास जा रहे हैं, जो गलत गलत जगहों में जा रहे हैं, है ना, वो उनका क्या है एजेंडा? सिर्फ अभी के टाइम के लिए, है ना, बस अभी हो जाए, मुझे इंस्टेंटली हो जाए, है ना। पर यीशु मसीह आपको इंस्टेंटली नहीं देना चाहता, यीशु मसीह आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। आमेन। एक हन्ना नामक एक स्त्री थी, लूका उसका दूसरा अध्याय उसके 36 से 48 तक। इन 3 वर्ष में एक औरत के बारे में कहानी बाइबल हमें बताती है कि वो औरत 84 ईयर से विधवा थी, वो औरत सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही, उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को उपवास प्रार्थना करके आराधना करती थी, और यरूशलेम के उस मसीहा आने की बाट जोती थी, और लोगों से इस बारे में बातचीत करती थी, सब लोगों से इस बारे में बातचीत करती थी। लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, शब्द वहां पर लिखा हुआ है, उस लेडी के बारे में एक शब्द लिखा है कि वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी।
जब वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उसके आने का, उसके उधर प्रार्थना उपवास करने का एजेंडा क्या था? वो उस मसीहा के लिए प्रेयर कर रही थी, उस मसीहा के आने के लिए प्रेयर करती थी। मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस हन्ना के समान बने जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस पवित्र शास्त्र में उसके लिए इस प्रकार से एक बात कही कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आज आप परमेश्वर की देह में आ चुके हैं, यदि आज आप परमेश्वर के भवन में आ चुके हैं, तो आपके लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं कि जब तक ये इस दुनिया में रहा, जब तक ये इस भवन में आता रहा, तब तक इसने इस भवन को नहीं छोड़ा। हम सब लोग पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं? क्यों परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा के हुजूर में आने का चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में आए? क्योंकि परमेश्वर आपको एक देह बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी देह में रहे। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। परमेश्वर ने आपको एक योजना के अंदर बुलाया है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 27 से लेकर के 31 तक हम पढ़ेंगे ने। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित, क्या सब भविष्यद्वक्ता, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। हम सबका काम अलग अलग है। सबके लिए परमेश्वर की योजना क्या है? अलग अलग है। सबके लिए परमेश्वर ने एक जो टास्क रखा है वो अलग अलग है, राइट? हम सब ने अभी पढ़ा कि कुछ शिक्षक, प्रथम अपोस्टल, राइट, चेले, प्रेरित, और उसके बाद चंगा करने वाले, वरदान करने वाले, और वरदान से और धुन में रहने वाले, बड़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, राइट? अभी अभी हमने पढ़ी। लेकिन आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। अगर परमेश्वर आपको अपनी देह में शामिल कर रहा है, मतलब आप इस योजना में आते हैं। आमेन। आपकी जो भी परेशानी है, या फिर जो भी आप जिस भी विषय को लेकर के आज खुदा की हुजूरी में आए हैं, जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं और जितने लोग नहीं भी जानते, पवित्र आत्मा को नहीं भी जानते, तो भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की आपके लिए एक बुलाहट है। कितने लोग को समझ आया कि सचमुच हमारे लिए एक योजना है? हमारे लिए यीशु मसीह ने एक योजना तैयार की है। आमेन। उस योजना के अंतर्गत शायद आपको बड़ी सारी चीज़ों से जाना पड़ेगा, शायद आपको बड़े सारे तूफान मिलेंगे, शायद आपको अचानक से घबरा जाएंगे, पर आपको उन तूफानों के बीच में खड़ा हुआ यीशु मसीह 110% मिलेगा। आमेन। जब यीशु मसीह के सारे चेले नाव में थे, नैया डोल रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि हम मरने वाले हैं, तब रात के समय यीशु मसीह उनको उस झील में दिखा। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन चेलों को उस जगह से जाने के लिए कहा। यह प्लानिंग यीशु मसीह की थी कि वो चेले उस जगह से जाए। और यीशु मसीह जब एक प्लानिंग देता है, उस प्लानिंग को कंप्लीट भी करता है। यीशु मसीह की प्लानिंग थी कि वो चेले उस जगह से जाए। बाइबल में लिखा है कि चेले मरे नहीं, यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया। आज अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, आज परमेश्वर का वचन अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, वो आपको आगे भी लेकर के जाएगा। आज परमेश्वर ने यदि आपको अपने भवन में एक होने के लिए बुलाया, परमेश्वर आपको परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जय लेकर के जाएगा। हालेलुया। जितने लोगों को विश्वास है वो बोले सारे आमेन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पास क्या है? एक योजना, एक योजना है, बस एक योजना है। वो प्लानिंग है आप में से छोटे के लिए, बड़े से बड़े के लिए। आपकी जो भी परेशानी है, आपकी कोई भी बीमारी है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं कल मरने वाला हूँ, परसों मरने वाला हूँ, उस टाइम के, उस पीरियड के लिए भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आमेन।
क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए मेरे लिए एक योजना है, इसलिए परमेश्वर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में रखना चाहता है। अगर आप बाहर के दुनिया में रहे तो फिर शायद आपको शैतान इधर लेकर के चला जाएगा, उधर लेकर के चला जाएगा। यदि यीशु मसीह आपकी नाव में नहीं है तो शैतान आपको इधर से उधर लेकर के चला जाएगा। पर जब आप परमेश्वर के देह में रहते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, तब यीशु मसीह आपको उस देह में रख करके अपनी दुल्हन बनाएगा और एक दिन आपको हमेशा लेके जाने के लिए आ जाएगा। हालेलुया।